ये बताइए कि सिवान का मुद्दा मामला क्या है? कोई मुद्दा नहीं है, अब की बार 400 पार। जब आप ये 400 कहते हैं, ये वाला विश्वास किस बिना पर आता है, किस चीज को लेकर आता है? कोई एमपी को वोट नहीं दे रहा है, कोई मोदी को देखकर वोट दे रहा है, बस। तो इसके कारण एक चीज बताइए, जैसे कई लोग हम लोगों को रास्ते में कहते हैं, मिलते हैं, कि जब आप सीधा बाहर देखते हैं, सीधा दिल्ली देखते हैं, तो कई बार एमपी काम किया नहीं किया वो भी तुलना नहीं होता। एमपी का काम क्या है? जब केंद्र सरकार योजना पास करेगी ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा, एमपी का काम क्या है? कुछ काम नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई देख रहा है नरेंद्र मोदी देख रहा है बस। मतलब मुकाबले में कोई और? अब इसका क्या मतलब है, कोई होगा होगा, अब की बार 400 पार। एक हवा और एक मुद्दा जो हम लोगों को बिहार में खूब दिखाई दे रहा है, खूब जिस पर चर्चा होती है, वो है महंगाई, बेरोजगारी। लोग बोलते हैं कि इस पर बात नहीं हो रही है। सातवां पेंशन आयोग लागू हो गया, क्या चाह रहे हैं कि चाय 1 रुपया में बेचाए, सोना 30,000 रुपया भरी बेचाए, ये चाह रहे हैं आप? आपका महीना 70,000 हो जाए और चाय 1 रुपया कब बेचे, हैं? बोलिए, आप ही बोलिए, आप ही सब पूछ रहे हैं। चाय का भी दाम 10 रुपया होना चाहिए। मतलब आप ये बोल रहे हैं, जिस अनुपात में आमदनी बढ़ी उस अनुपात में दाम बढ़ना तब होना ही चाहिए। देश का विकास किस तरह होगा? हम टैक्स नहीं देंगे, देश का विकास हो जाएगा? नरेंद्र मोदी अपने बगली से विकास करेंगे, बोलिए। जब आप बोलते हैं कि एमपी मतलब योजना बनेगा तो अपने आप आएगा, एमपी क्या करेगा, लेकिन फिर उसमें कई लोग ये बोलते हैं ना कि अगर सांसद होगा तो वो बताएगा कि भाई मान लो मेरे यहाँ कॉलेज नहीं है, मान लो मेरे यहाँ रेल लाइन नहीं है, मान लो मेरे यहाँ रेल लाइन में बिजली आना है। रेल लाइन नहीं है, बताइए आप। पहले एमपी का काम था गैस का कनेक्शन के लिए, मोदी जी ने फ्री कर दिया। पहले एमपी का काम था टेलीफोन का बिल के लिए, एमपी ने नरेंद्र मोदी ने फ्री कर दिया। अब बताइए क्या चाहिए? एडमिशन में कोटा फ्री कर दिए, केंद्रीय विद्यालय में एमपी का कोटा खत्म कर दिए, एमपी का काम क्या रह गया? एमपी का फिर चुनाव हो रहा है नरेंद्र मोदी के नाम पर हो रहा है, अब की बार 400 पार। बस एक लाइन का क्वेश्चन का आंसर यही है, एक लाइन के क्वेश्चन का आंसर यही है। मतलब वही सोचकर वोट डल रहा है और कुछ नहीं सोचा जा रहा है? कोई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मुस्कुरा जवाब रहे हैं चेहरे पर। एक तो ये हमको समझ नहीं आता, भाजपा का वोट शांत का वोट है, हाल चिल्लाएगा नहीं, चुपचाप बस। अच्छा एक चीज हमको समझ नहीं आती कि जब हम लोग उठते हैं तो लोग एकदम से सम्यक दूरी का है बना लेते हैं, काहे दूरी? लोग नहीं चाहता है बोलना, इसी तरह दूरी बना लेता है, क्या काम है मीडिया पर लोगों का झूठों का हवा पानी देना? पर अभी जैसे आप बता रहे हैं, चलिए एक चीज समझ तो आया ना कि क्या सोचकर कोई वोट डाल रहा है, हम तो ये पूछ ही नहीं रहे कौन जीत रहा कौन रहा है, आपने बता दिया, ठीक है। भाग रहे हैं मीडिया से इसीलिए, और क्या, कुछ तो है नहीं ऐसा कुछ। आप कहे भाजपा का वोटर साइलेंट है, काहे के लिए? वोटर साइलेंट होता है, वो हल्ला नहीं करता है, एजुकेटेड वोटर है, वो हल्ला नहीं करेगा, लड़ेगा नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।